खाना क्या हो गया है? बचपन से ही वो ज्यादा बोलती थी, जो मन में होता था ना हमेशा मुंह पे बोल देती थी, पर आज आज उसे क्या हो गया था? इतनी बदतमीज, इतनी मुंह पर कैसे बन गई वो? उसका ये रूप मैंने आज पहली बार देखा, क्या हो गया उसे? करती थी, मैं हल्का फुल्का उसे डांट देती थी, हाँ उसे समझाती थी और वो समझ भी जाती थी, पर आज आज ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस पर हाथ उठा दिया, अभी इतने सारे लोगों के बीच में आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप को ना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने आप को, मैंने क्या कर दिया? श्रद्धा, श्रद्धा मेरी तरफ देखो तुम, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, कुछ गलत नहीं किया तुमने, कीर्ति को पापा उसकी बहन ने नहीं पापा की बेटी ने मारा है। कीर्ति गुस्से में थी, कुछ भी बोल रही थी अपने पापा के बारे में, कोई भी बेटी अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं भी जान गया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए क्या है। श्रद्धा, अगर तुम आज कीर्ति को थप्पड़ नहीं मारती ना, तो ना वो रुकती हो ना कभी उसे चीज का एहसास होता। हमारे घर वाले हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, पर हमें उस चीज का कभी एहसास नहीं होता, उल्टा हम तो उन्हें डिमांड के बोझ तरह दबा देते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम अपने घर वालों से इतना प्यार करती हो, इतनी चिंता तुम्हें उनके बारे में, तो क्यों 10 लाख के बोझ तरह उन्हें दबाया? कभी सोचा है तुमने कि शादी में उनका कितना खर्चा हुआ होगा? अरे वो 10 लाख रुपए उन्होंने कैसे अरेंज किए होंगे? बेचारे कितनी टेंशन में होंगे। तुमने ठीक नहीं किया उनके साथ,